ऑल पाकिस्तान इंटरबोर्ड स्पोर्ट्स गाला 2022-23 का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची के जेरे एहतमाम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में इफ्तिताह कर दिया गया। इंटरबोर्ड स्पोर्ट्स गाला की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची को सौंपी गई। कराची बोर्ड ने स्पोर्ट्स गाला की जिम्मेदारी लेते हुए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स गाला में पाकिस्तान भर के तमाम बोर्ड्स ने शिरकत की। इस स्पोर्ट्स गाला में हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल के मैचेस करवाए जाएंगे। गाला के तमाम मैचेस इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में 2 फरवरी-9 फरवरी होंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी इंटरबोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्हा और चेयरमैन कराची बोर्ड ने स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लेने वाले तमाम बोर्ड्स और बच्चों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर मेहमान खसूसी चेयरमैन फेडरल बोर्ड कैसर आलम ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची और स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लेने वाले तमाम बोर्ड्स को खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा, मैं तमाम बच्चों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और कहा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ तालीम के मैदान में भी बेहतरीन कारकर्दगी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही काबिल कदर और काबिल एहतराम दोस्त डॉक्टर सईद साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, जो इस वक्त हमारे इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, और बहुत ही प्यारे दोस्त, साथी, कुलीग डॉक्टर गुलाम अली मल्हा साहब, सेक्रेटरी IBCC, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, और जितने भी हमारे बाकी बोर्ड से आए हुए हमारे DPs हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, फिज़िकल एजुकेशन, और यहाँ पर मौजूद मीडिया, और सबसे बढ़कर हमारे जो बच्चियाँ हैं इस वक्त, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। द स्पोर्ट्स गाला 2022-23 ओपन, तो मैं आल पाकिस्तान इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स गाला 2022-23 के इफ्तिताह का ऐलान करता हूँ।